था, तो वो हमें बहुत ही खुशी हुई कि स्कूल फिर से रीओपन हुए। हमारे प्रिंसिपल सर जो है और स्टाफ मेंबर्स जो है उन्होंने हमारा वेलकम बहुत ही अच्छी तरीके से किया। हम बहुत खुश हुए कि स्कूल जो है वो फिर से रीओपन हो गए और हमें उम्मीद है कि आगे जो है वो पैंडेमिक नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोविड होता है तो हमें ऑनलाइन क्लासेस देने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो हमें उम्मीद है कि आगे पैंडेमिक नहीं होगा, हम लगातार स्कूल आएंगे। आज हमारा स्कूल खुल गया है बहुत सालों के बाद और हम बहुत खुश हैं कि आज स्कूल खुल गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमें इतना मिलता नहीं था, इंटरनेट की वजह से हम पढ़ नहीं पाते थे। आज और यहाँ पर प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स की तरह जिनको करना हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल और मेंबर्स की तरह यहाँ पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया और हम बहुत खुश हैं दोस्तों से मिलकर। आज ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है, हम बहुत ही खुश है कि गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि रीओपनिंग का। हमें उम्मीद है कि ये डिसीजन जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे स्टाफ के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए और हमारे जो स्कूल है पिछले 2 साल से बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, एकेडमिक्स जो है वो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल से गुज़र रहा है। इसलिए हम बहुत खुश है कि आज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया रीओपनिंग का और अल्लाह करे कि हमको इसमें आगे कोई परेशानी ना आए, कोई नेचुरल क्लाइमिटी ना आए। अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़ी देर के बाद अपने वर्क प्लेस पर ज्वाइन कर रहे हैं विद आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के साथ। हम इस बात पर बहुत खुश है आज कि आज के दिन में हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स भी है, स्टाफ भी है और बड़ी खुशी है, बड़ी रौनक है हमारे इस इंस्टीट्यूशन में आज। और अल्लाह करे कि ये आगे भी ऐसे ही रहे, ये रौनक जारी और सारी रहे और हमारी तालीमी मुस्तकबिल पे कोई आंच ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत खुशी की बात है। आज बच्चे स्कूल गए हैं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत खुशी है, हम लोगों के लिए भी बहुत ही खुशी है कि हमारे बच्चे आज, चाहे हम 2 साल की बात करें या मेरे ख्याल से 3 सालों से अगर हम अपने JKUT की बात करें तो यहाँ पर स्कूल बंद थे। तो पेरेंट्स के लिए मेरी मैसेज रहे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा करें किसी डर के बगैर। साथ साथ मेरी एजुकेशन जो हमारे टीचर्स है उनसे भी गुजारिश है कि जो SOPs है तो उन पर खास तवज्जो दिया जाए। देखिए बहुत सारे बच्चे, अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, हायर क्लासेस की बात करें, तो डिप्रेशन में बच्चे पड़ गए। तो हमारी गुजारिश रहेगी खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें या डायरेक्टर हेल्थ की बात करें, तो जो भी गाइडलाइन उन्होंने दी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो फॉलो करनी चाहिए।